दोस्तों, ये है मार्कलिप ब्रांड का गोरिल्ला ट्राइपॉड और ये एक मिनी गोरिल्ला ट्राइपॉड है और इसे मैंने अमेजोन से परचेज किया है। इसकी लेंथ दोस्तों 13 इंच की है और इस वीडियो में आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहें। बॉक्स हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है और पैकेजिंग इस टाइप से देखने को मिल जाती है हमें, और काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग की गई है, देखिए आप। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके ट्राइपॉड को फटाफट से बाहर निकाल लेता हूँ। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की गई थी दोस्तों और इस टाइप से हमें ट्राइपॉड देखने को मिल जाता है। और अगर क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी अच्छी है प्राइस रेंज के हिसाब से। और अगर इसकी प्राइस की बात करो तो मैंने इसे 400 रुपये में परचेज किया है दोस्तों, और इसी टाइप के ट्राइपॉड इसी प्राइस रेंज के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे 500 रुपये के आसपास या 500 रुपये से कम या ज़्यादा। और दोस्तों, डिजिटेक का भी इसी टाइप का एक ट्राइपॉड आता है जिसकी प्राइस 400 रुपये होती है और उसके साथ हमें ब्लूटूथ शटर देखने को मिल जाता है जिससे आप अपने फ़ोन या कैमरा में फोटो क्लिक कर सकते हैं दूर से भी। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ये परचेज किया तब उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और उसके रिव्यू भी मुझे इतने खास नहीं लगे, और इस मार्कलिप वाले ट्राइपॉड के रिव्यू मुझे अच्छे लगे और टोटल इसकी ओवरऑल रेटिंग भी सही आ रही थी और इस वजह से मैंने इसे परचेज कर लिया 400 रुपये में। अभी दोस्तों, डिजिटेक वाला ट्राइपॉड मैंने चेक किया था, वो स्टॉक में आ रहा था और वो भी 400 रुपये में आ रहा था। तो दोस्तों, अगर आपने डिजिटेक वाला ट्राइपॉड रियल में देख रखा है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। उसके साथ आपको ब्लूटूथ शटर देखने को मिल जाता है तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। इसके साथ हमें कोई ब्लूटूथ शटर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसकी ओवरऑल क्वालिटी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है डिजिटेक के मुकाबले, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि दोस्तों मैंने उसके रिव्यू चेक किए थे और इसके भी रिव्यू मैंने चेक किए थे। और दोस्तों, एक टाइगोट ब्रांड का भी एक ट्राइपॉड आता है, उसके भी मैंने रिव्यू चेक किए थे, तो तीनों ट्राइपॉड के कंपैरिजन में मुझे ये वाले ट्राइपॉड सही लगा क्योंकि इसके रिव्यू ज़्यादा बेटर थे, इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया 400 रुपये में। और नॉर्मल इनकी प्राइस 500 से कम या 500 से ज़्यादा चलती रहती है, तो आप देख लें। तो अगर 400 रुपये के हिसाब से बात करूँ तो ओवरऑल क्वालिटी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, ये माउंट हमें साथ में देखने को मिल जाता है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों मैंने जब अमेजोन बेसिक्स के ट्राइपॉड परचेज किए थे तब ये माउंट मैंने अलग से परचेज किए थे और इनकी प्राइस ही लगभग 100 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है हमें, बल्कि 100 से ज़्यादा ही देखने को मिलती है। तो ये हमें साथ में देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा माउंट है और काफ़ी अच्छी ग्रिप है इस माउंट की। तो ओवरऑल दोस्तों, प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड लगा मुझे। दोस्तों, मेरा मोस्टली जो यूज रहेगा इस ट्राइपॉड का वो मोबाइल के लिए रहेगा, क्योंकि मेरे पास कोई DSLR कैमरा नहीं है, तो मैंने इसे अभी तक DSLR कैमरा के लिए यूज भी नहीं किया है। लेकिन अगर आप DSLR के लिए यूज करना चाहते हो तो आप छोटे मोटे DSLR के लिए इसे यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको कोई खास परेशानी नहीं होना चाहिए नॉर्मल यूजेज में। अगर दोस्तों आप हैवी यूज करते हैं तो आपको दोस्तों ब्रांडेड ट्राइपॉड पर जाना चाहिए, जो कि जो भी ब्रांड का आता है या जो भी अदर ब्रांड का आपको सही लगे, क्योंकि दोस्तों उनकी ओवरऑल क्वालिटी और यूजेज एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी बात करूं तो मोबाइल यूजेज में दोस्तों आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है और प्राइस रेंज के हिसाब से हमें अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है ट्राइपॉड की, अगर मैं इसी टाइप के और ट्राइपॉड्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो। अगर दोस्तों आप इस ट्राइपॉड को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं और मैंने बाकी अदर ट्राइपॉड के भी लिंक दिए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। इस ट्राइपॉड का लिंक मैंने सबसे पहले दिया है, तो आप इसे जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं और चाहे तो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस इस ट्राइपॉड का शेयर किया है आपके साथ। और अगर आपको बाकी अदर ब्रांड के ट्राइपॉड सही लगते हैं तो आप उन्हें भी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर अपने फाइनल ओपिनियन की बात करूं इस मार्कलिप गोरिल्ला ट्राइपॉड के बारे में, तो आप दोस्तों इसे 400 रुपये के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट साबित होगा। ये काफ़ी यूनिवर्सल ट्राइपॉड बन जाता है मिनी ट्राइपॉड की कैटेगरी में, और ये काफ़ी यूजफुल साबित होता है डिफरेंट टाइप के यूजेज में। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, दोस्तों आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले अपना यूजेज और रिक्वायरमेंट देखें, उसके बाद उस प्रोडक्ट को परचेज करें ताकि आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में आसानी हो। और इस ट्राइपॉड से अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन दिखता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि सभी की हेल्प हो सके। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें।